विभाग उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में हॉकी स्टोटर्फ मैदान पर चल रहे अखिल भारतीय प्राइज मनी महिला आमंत्रण हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल मैच रविवार को महाराष्ट्र एकादश मुंबई और ग्वालियर एकेडमी के बीच खेला गया। महाराष्ट्र की टीम ने शुरू से ही ग्वालियर की टीम पर दबदबा बनाए रखा और पहले कुछ ही मिनटों में पहला गोल दागकर अपनी दावेदारी को मजबूत किया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद ग्वालियर की टीम को पेनाल्टी कॉर्नर मिला जिससे गोल में तब्दील कर ग्वालियर की खिलाड़ियों ने स्कोर को 1-1 की बराबरी पर ला दिया। दूसरे हाफ में मिले पेनाल्टी कॉर्नर की बदौलत महाराष्ट्र की टीम ने निर्णायक गोल करके स्कोर 2-1 कर दिया, ट्रॉफी को अपने कब्जे में किया। जर्सी नंबर 3 में महाराष्ट्र की तरफ से खेल रही गोरखपुर की उभरती हुई हॉकी खिलाड़ी प्रीति दुबे ने फाइनल मुकाबले में शानदार खेल का प्रदर्शन किया और विपक्षी टीम पर लगातार अटैक करते हुए अपनी टीम को विजयी बनाने में अहम योगदान दिया। फाइनल मुकाबले में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे कैंपियरगंज क्षेत्र के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार राशि का चेक और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर महासचिव उत्तर प्रदेश हॉकी डॉक्टर RP सिंह, उत्तर प्रदेश हॉकी के उपाध्यक्ष धीरज सिंह हरीश, मनीष सिंह, क्रीड़ा अधिकारी AK पांडे, गणेश दत्त त्रिपाठी, वंशीधर जायसवाल, दिलीप कुमार सहित आयोजन समिति के अधिकारी, कर्मचारी और खेल समर्थक मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता प्रवीण कुशवाहा से विशेष बात करते हुए महाराष्ट्र टीम से खेल रही गोरखपुर की उभरती खिलाड़ी प्रीति दुबे, विजेता टीम की कप्तान शंघाई और उत्तर प्रदेश हॉकी संघ के महासचिव डॉक्टर RP सिंह ने कहा। Oh, what a beautiful, 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 beautiful.
उदासी देकर सम्मानित करूं। तीसरे स्थान पर रहने वाले सोनीपत हॉकी अकेडमी सोनीपत की टीम तीसरे स्थान पर रही, उन्हें ट्रॉफी और अतिथियों के द्वारा सम्मान। एक लाख रुपए की राशि देकर अतिथियों के द्वारा सम्मान। सभी आगंतुक और दर्शकों से अनुरोध की टीमों की हौसला अफजाई के लिए जोरदार तालियों से उनका टीम को सम्मानित करते हुए प्राइज मनी हॉकी प्रतियोगिता आयोजित किया। 12 टीमों के बीच हुई सीरीज में महाराष्ट्र का और सोनीपत की टीम को तीसरा स्थान मिला। मैदान में सबसे पहले खेलकूद विभाग के निदेशक श्री आरपी सिंह जी, जिले के हॉकी के अध्यक्ष श्री धीरज सिंह जी, प्रधानाचार्य एके पांडे जी, श्री गणेश दत्त त्रिपाठी जी, ब्लॉक प्रमुख बंसीधर जसवाल जी, दिलीप जी, यहाँ हॉकी टीम के समस्त खिलाड़ीगण, स्पोर्ट्स कॉलेज में कार्यरत सभी अधिकारी कर्मचारीगण, साथियों, बहुत ही अच्छा रोचक मैच रहा हॉकी का और मैं सभी आई हुई टीम का स्वागत और अभिनंदन इस बात के लिए करना चाहता हूं कि आज उस महापुरुष के नाम पर स्पोर्ट्स कॉलेज में हमारे भाई आरपी सिंह जी ने जो प्रयास किया, मुझे 1990 की बात याद है, इनकी सोच तभी से थी कि यहाँ गोरखपुर को एस्ट्रोटर्फ मिले। हॉकी का मैदान प्रॉपर ना होने की वजह से उस समय कुछ कार्य नहीं हो पाए। ये जितना भी कार्य हुआ है परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज और आरपी सिंह जी के प्रयास की देन है और एक सोची समझी रणनीति के तहत पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस गोरखपुर में जहां वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना हुई थी, मुझे आज ऐसा लग रहा है कि देश में तो सातवां स्थान है ही है इसका, लेकिन विश्व के मानचित्र पर जो पहले नाम था, जो होना चाहते थे स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह रखना चाहते थे, वो भी आज इस स्पोर्ट्स कॉलेज के माध्यम से दर्ज हो जाएगा। मैं निश्चित रूप से पुनः आए हुए दोनों टीमों को बधाई देना चाहता हूँ, जितनी भी टीमें हैं अपनी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और व्यक्तिगत रूप से आयोजक बंधुओं के प्रति, खेलकूद निदेशालय के प्रति और सभी अपने साथियों के प्रति इस बात का आभार कि आप सब ने इस आयोजन को सफल बनाने में अपनी भूमिका अदा की। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर आरपी सिंह जी के द्वारा फतेह बहादुर सिंह जी को स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। बहुत अच्छा लगा और बहुत सपोर्टिव माहौल है यहाँ पे, मतलब पहले इतना नहीं था लेकिन अभी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं सब लोग, जैसे मैचेस देखने आ रहे हैं तो इससे मतलब हम लोग का सॉरी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। तैयारी किस तरह की थी आज के मैच की? बहुत अच्छे से थी, हम लोगों ने रात में ही माइंड मेकअप किया था कि हमें किस तरह से खेलना और कैसे जीतना है, तो उसी प्लान के हिसाब से हम लोग यहाँ पे खेले हैं। वो भी बहुत अच्छे थे लेकिन हमें टक्कर कर लिए, एक्चुअली फाइनल में सारी टीम बहुत अच्छा खेलती है, चाहे वो सामने कैसी भी टीम हो वो पूरा टक्कर देती है, तो ऐसा कोई वीक पॉइंट नहीं था, वो भी अच्छा खेले हम भी अच्छा खेले और जिसने ज्यादा मेहनत की वजह। नहीं नहीं, गोरखपुर में हमने कई बार खेल चुके हैं, एक्चुअली मैं मणिपुर का हूँ, तो जब मणिपुर में थे तब हम लोग गोरखपुर आ चुके थे और अभी जो है हम लोग महाराष्ट्र के लिए फर्स्ट टाइम है जो यहाँ का जितना, मतलब ये इनविटेशन टूर्नामेंट के लिए। चैंपियनशिप कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा, यहाँ का वेदर भी अच्छा लगा कि मतलब इतना गर्मी भी नहीं ठंडा भी नहीं और मौसम भी अच्छा रहा और टूर्नामेंट भी जिस तरह करा रहे बहुत अच्छा कराया,
हमको बहुत अच्छा लगा। देखिए इसमें जो अखिल भारतीय हॉकी महिला प्रतियोगिता का आयोजन खेल विभाग द्वारा आज ये कराया गया, इसमें 12 देश की सर्वश्रेष्ठ टीमों ने प्रतिभाग किया, जिसमें महाराष्ट्र एकादश ने ग्वालियर एकेडमी को हरा करके 2-1 से चैंपियन बनी। इसमें बहुत अच्छे मैचेस देखने को मिले, खास तौर से जो गोरखपुर के जो हमारे उभरते हुए खिलाड़ी हैं, जो महिलाएं हैं, उनको इसको देख करके सीखने का एक मौका मिला है। और खेल कराने का, प्रतियोगिता कराने का उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, और जो उभरते हुए जो खास तौर से वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में जो हमारे महिलाएँ हैं, खास तौर से लड़कियाँ हैं, वो इन महिलाओं को देख करके, अपने आइडियल को देख करके अपने खेल में सुधार करेंगे और उसी को और आगे बढ़ाएंगे और आने वाले दिनों में वो भी अपने प्रदेश का, देश का नाम रोशन करें। यही उद्देश्य रहता है विभाग का कि ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों का एक्सपोजर हो, प्रशिक्षण हो, प्रतियोगिता हो, उसी के क्रम में आज ये प्रतियोगिता सम्पन्न हुई है।